डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन क्या होती है और आप इसे कैसे डिराइव कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम अनिल दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ आयन इंटरेक्शन। और लास्ट में क्या होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन। देखो भाई, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो क्या होता है हमारे पास भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि उनका डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है ना भाई। वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है, डिसोसिएशन कम होता है, ठीक है। तो भाई वहां पर नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस क्या होती है, काफी कम होती है भाई, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो उनके बीच में इंटर आयनिक डिस्टेंसेस क्या होती, बहुत ज्यादा, ठीक है बात भाई। अगर मान लिया इंटर, अगर मान लिया डिसोसिएशन कम हो रखा किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो वहां पर इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होंगी, बहुत ज्यादा होंगी ना। तो आयन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाती। आप कहोगे भाई पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बिल्कुल बढ़ जाएंगे भाई, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ने से आप ये भी तो देखो कि क्या सॉल्वेंट भी तो बढ़ रहा है हमारे पास, क्या लगातार भाई डायल्यूशन के साथ क्या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ही बढ़ते हैं, क्या नंबर ऑफ आयन्स ही बढ़ती हैं, क्या कि वॉल्यूम भी तो बढ़ती है। अगर वॉल्यूम बढ़ गई तो भाई उनके इंटर आयनिक डिस्टेंस घट तो नहीं जाएगी कि घट जाएगी, अरे बोलो भाई रिजल्ट तुम क्या बोलेंगे कि हाँ बताओ क्या रहेगा ये। तो यहाँ पर कोई आयन आयन इंट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है बात। तो यहाँ पर हमको मेनली यहाँ पर क्या टैकल करना पड़ता है, आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि आयन्स कैसे इंट्रैक्ट करते हैं विद सॉल्वेंट, ठीक है बात। तो इसीलिए भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन आयन इंट्रैक्शन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि उनमें हायर कंसंट्रेशन पे भी क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, तो वहां पर नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगी ना, इजंट इट। तो वो जो आयन्स हैं क्या उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होएगा, अरे बोलो भाई क्या उन आयन्स का आपस में म्यूचुअल भाई इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। तो उस म्यूचुअल इंटरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस आयन आयन इंटरेक्शन के ऊपर भाई दुनिया भर की प्रॉपर्टीज इनके ऊपर डिपेंड करती हैं, समझ गए बात, बोलो भाई। जैसे आपकी क्या है, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अरे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ भाई। तो अगर मान लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा क्या होंगे, टूट जाएंगे, इजंट इट। तो वहाँ पर नंबर ऑफ आयन्स बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो वहाँ पर आयन आयन इंट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा भाई वहाँ पर होएगा, वहाँ पर आयन आयन इंट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, जो कहाँ नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट्स में। आपको भाई फिर हमने ये आयन आयन इंट्रैक्शन पढ़ना है क्यों है, क्योंकि भाई ये आयन आयन इंट्रैक्शन दुनिया भर की जो प्रॉपर्टीज होती ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, दुनिया भर की दूसरी प्रॉपर्टीज, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, एक तो आपकी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, पता होगा ना आपको भाई, इनको समझने में हेल्प करता है, वो इससे कोरिलेटेड होते हैं, नहीं आगे आपको। तो आयन 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 इंट्रैक्शन को समझना जरूरी है कि नहीं भाई, है ना, बोलो भाई। तो मैं आपको बताऊं भाई कि आयन आयन इंट्रैक्शन को समझने में काफ़ी सारी जो भी क्या है साइंटिफिक कम्युनिटी, उसने बहुत काम किया था भाई, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है। एक 1913 में जो सैमुअल मिलनर थे, ठीक है, उन्होंने भाई इसके ऊपर काम किया था, उन्होंने नहीं एक स्टेटिस्टिकल जो थर्मोडायनेमिक्स होती है
उन्होंने उसका इस्तेमाल करके और उन्होंने इसको भी क्वांटिफाई करने की ट्राई की थी। 1918 में एक भाई सर जे जे सी घोष थे, एक इंडियन क्या थे हमारे पास भाई साइंटिस्ट, उन्होंने 1918 में भाई इसका एक मॉडल दिया। उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने आयन आयन इंट्रैक्शन को भाई उन्होंने भी एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी। नहीं मत आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। लेकिन सबसे जो जो रिवोल्यूशनरी काम था वो आपको पता है 1920 जे सी घोष के काम के बाद भाई 1923 में आपको पता होना चाहिए कि पीटर डिबाय और एरिक हक्कल उन्होंने भाई एक थ्योरी दी। उन्होंने आयन आयन इंट्रैक्शन को, ये जो क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आयन आयन इंटरेक्शन, उसको उन्होंने क्वांटिफाई करने की, उन्होंने इसको भाई एक्सप्लेन करने की ट्राई की यूजिंग सम मॉडल। उसको बोलते हैं डिबाय हक्कल मॉडल बोलते हैं उनको, पता होगा ना आपको। अरे बोलो भाई। उन्होंने इसको, उन्होंने ये मान के कि जो आयन्स हैं, जो एक आयन है एक टाइप के आयन, उनको उसको अपोजिट चार्ज के आयन क्या कर लेंगी, सराउंड कर लेंगी। मतलब उन्होंने आयन को क्या मान लिया, एक तरह से अपोजिटली चार्ज आयन के क्लाउड में कंसिडर कर लिया, उसको बोल दिया आयनिक क्लाउड, समझे बात। और सोलवेंट को क्या मान लिया, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम, क्या मान लिया। और उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो बात आपको पहले पड़ी। तो डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंट्रैक्शन कुछ नहीं है, ये भाई आयन आयन इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से केस में आयन आयन इंट्रैक्शन को रैशनलाइज करने का मॉडल है। और ये क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि आयन आयन इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की दुनिया भर की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। तो उनको समझना क्या बहुत जरूरी, नहीं आएगा आपको भाई। तो अब आपने क्या पढ़ना, बताओ भाई, डेरिवेशन ऑफ डिबाय हक्कल थ्योरी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन। देखो इसका नाम, देखो इसका नाम क्या, आयन आयन इंटरेक्शन। अब आयन आयन इंटरेक्शन मतलब क्या, कपलिंग। आयन आयन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, कपलिंग भाई। तो ज्यादातर जो कपलिंग होती है, ज्यादातर जो क्या होती है भाई कपलिंग्स, उनको फ्री एनर्जी के टर्म में निकालते हैं। क्या, ज्यादातर कपलिंग्स को फ्री एनर्जी की टर्म्स में मेजर करते हैं, ठीक है, ज्यादातर इंट्रैक्शन को। तो भाई आयन इंट्रैक्शन अलग क्यों है, ये भी तो एक तरीका है, कपलिंग ही तो है, तो इसको भी हम किसकी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, फ्री एनर्जी की, फ्री एनर्जी चेंज की टर्म में। क्या, फ्री एनर्जी चेंज की टर्म में आप इसको क्वांटिफाई या पैरामीटराइज कर सकते हो आयन आयन इंट्रैक्शन को भाई, ठीक है। तो इसके लिए भाई इन्होंने एक मॉडल सोचा है, बोले कि हम सॉल्यूशन में हम क्या मान लें। तो बोले भाई कि हम एक तो आयन कैसे मान लें, अनचार्ज्ड आयन, क्योंकि ये आयन, उन्होंने देखा कि आयन आयन इंट्रैक्शन अराइज क्यों हुआ होगा भाई, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है, तो इन्हीं का आपस में क्या हुआ है इंटरेक्शन, उसी से क्या अराइज हुआ है, आयन आयन इंटरेक्शन। अगर चार्ज ना हो तो इंटरेक्शन भी नहीं होता ना भाई, यानी सारे का सारा इंटरेक्शन, ये सारे की सारी कपलिंग कहाँ से अराइज हो रही है, चार्ज से, किससे भाई। तो बोले अगर मैं आयन्स मान लूँ बिना चार्ज वाली, क्या मान लूँ भाई, मैं अनचार्ज्ड आयन मान लूँ, तो वहाँ पर कोई आयन आयन इंट्रैक्शन नहीं है भाई। अगर मैं क्या मान लूँ अनचार्ज्ड आयन्स, उनमें कोई आयन आयन इंट्रैक्शन नहीं होगा ना, फिर मैं क्या करूँ उनको भाई, चार्ज करूँ भाई। आप सॉल्यूशन में सारी आयन्स को क्या मान लो कि वो अनचार्ज्ड है, तो वहाँ पर कोई आयन आयन इंट्रैक्शन नहीं होगा ना, लेकिन फिर आप उन्हें चार्ज करोगे तो वहां पर क्या एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप उनको चार्ज करते जाओगे, जैसे जैसे आप उन आयन्स को चार्ज करते जाओगे, तो क्या वैसे वैसे आयन आयन इंट्रैक्शन एक्टिवेट नहीं होते जाएंगे क्या, बोलो भाई। अब चार्ज करने में क्या आता है, फ्री एनर्जी चेंज भाई, चार्जिंग के दौरान क्या आएगा, फ्री एनर्जी चेंज आएगा ना, बोलो भाई। तो चार्जिंग के दौरान जो फ्री एनर्जी चेंज आए वही क्या होगा, आयन आयन इंट्रैक्शन। अरे भाई क्योंकि अनचार्ज्ड आयन्स का कोई आयन इंट्रैक्शन नहीं है, मैं इस स्टेट को कैसे मान लूं भाई कि मेरे पास शुरुआत में क्या है अनचार्ज्ड आयन्स और बाद में मेरे पास क्या है चार्ज्ड आयन्स, इजंट इट भाई। शुरुआत मेरे पास क्या है अनचार्ज्ड आयन्स और बाद मेरे पास क्या है चार्ज्ड आयन्स, तो अनचार्ज्ड आयन केस में कोई भी हमारे पास क्या नहीं होगा आयन आयन इंट्रैक्शन, और चार्ज आयन किस में क्या होगा इंट्रैक्शन। तुम इसका सही मान लो भाई कि जैसे मेरे पास भाई अनचार्ज आयन्स है, उनको ये बात भाई आपको लग रही होगी पैराडॉक्सियल, अरे भाई आपको बात ये लग रही होगी
कॉन्ट्राडिक्टरी कि अनचार्ज्ड आयंस, अनचार्ज्ड आयंस, बताओ आपको पहले पढ़ रही है, लेकिन भाई ऐसे बोलना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या मानो कि अनचार्ज आयन है और आप उनको चार्ज करना शुरू करोगे, तो जब आप उन्हें चार्ज करोगे तो उसमें वर्क होएगा ना भाई, और उससे क्या होगा, फ्री एनर्जी चेंज। तो ड्यूरिंग चार्जिंग, तो अनचार्ज आयन में नो आयन आयन इंट्रैक्शन, चार्ज आयन में आयन आयन इंट्रैक्शन, यानी ड्यूरिंग चार्जिंग जो फ्री एनर्जी चेंज आया है वही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्ज, बोलो भाई, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ आयन्स जो फ्री एनर्जी चेंज आएगा वही तो क्या है, आयन आयन इंट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा होगा, कि अपने आप तो इंट्रैक्शन आ गया अपने आप, जो मैंने नहीं बता आपको पहले पड़ी, यानी अगर मैं, यानी अगर मुझे आयन आयन इंट्रैक्शन निकालने हैं तो मैं सिंपली क्या कर लूँ भाई, अनचार्ज सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है उसे घटा दूँ, किसमें से, चार्ज सिस्टम की फ्री एनर्जी, यानी कि डेल्टा जी निकालूँ भाई, यानी कि फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग चार्जिंग, सिर्फ वो मालूम कर लो भाई, तो क्या आ जाएगा, आयन आयन इंट्रैक्शन। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, अरे बोलो भाई, हालांकि मैं आपको बताऊँ डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन भाई इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है बात, ओके। तो यहाँ पर मैं इसका भाई आपको एक डेरिवेशन आपको बताओ, आपको भाई बताने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, तो जो फ्री एनर्जी चेंज है, अब फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी ड्यूरिंग चार्जिंग जो मैं वर्क करूंगा, आयंस को चार्ज करने के दौरान जो मैं वर्क करूंगा वही क्या होगा, फ्री एनर्जी चेंज, और वही क्या होगा, आयन आयन इंट्रैक्शन। यानी हमारी प्रॉब्लम क्या रहेगी, सिंपली वर्क डन निकालना, किसका, अनचार्ज, हाइपोथेटिकली अनचार्ज सिस्टम से चार्ज्ड सिस्टम के अंदर, इजंट इट। लेकिन वो यहां पर एक बार ध्यान रखियो कि आपने इनको वैक्यूम में, आप कंसिडर, आप आयन्स को वैक्यूम में कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों भाई, क्योंकि एक्चुअल में आयन वैक्यूम में नहीं होती, आयन्स कहाँ होती हैं, सोल्यूशन में। तो आपने अनचार्ज आयन आपने कहाँ कंसिडर करनी है, अगर आपने अनचार्ज आयन कहाँ मान ली, वैक्यूम में, बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, फिर आपने सोल्यूशन में ले आए चार्ज करके, तो भाई वहाँ पर दो तरह क्या आ जाएंगे फ्री एनर्जी चेंज, कौन कौन से, एक तो आयन आयन इंट्रैक्शन का और एक आयन सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का, वही नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ आयन आयन इंट्रैक्शन मिले हमको, तो उसके लिए क्या होगा कि आपने शुरुआती आयन में अपने कहाँ कंसिडर करनी है, बोलो भाई, सॉल्वेंट में कंसिडर करनी है, नहीं आपको आया, ताकि भाई नहीं आना आपको, अरे भाई आयन सॉल्वेंट नहीं, अरे मैं क्या कह रहा था, मतलब आपने क्या दिया, क्योंकि अगर वही तो आपने वैक्यूम से काम पर लेके, तो बाहर उनका अलग बिहेवियर था और सॉल्वेंट में उनका बिहेवियर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, नहीं आएगा आपको, ओके। अरे बोलो भाई, यहाँ पर मैंने भी लिखा भी हुआ है, देखो, अरे भाई, इनिशियल स्टेट शुड ऑल्सो हैव आयंस इन सोल्यूशन एंड नॉट इन वैक्यूम, नहीं तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, दोनों स्टेट सिर्फ आयन आयन इंटरेक्शन से डिफर ना हो, आयन सोलवेंट इंटरेक्शन से भी क्या हो जाएंगी, डिफर कर जाएंगी, बात आपको पहले पड़ी। तो क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट, ये क्या है, अनचार्ज्ड आयंस, ये क्या है, ये क्या है, वर्क ऑफ चार्जिंग क्या होगा, वर्क ऑफ चार्जिंग क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ आयन आयन इंटरेक्शन, ये क्या है, फाइनल स्टेट, इजंट इट। अच्छा, अब एक दिक्कत और भी है, क्या, अब भाई एक दिक्कत और भी है, बताओ क्या, कि यहां पर तो फिर तो आपके पास तो भाई पूरे सॉल्यूशन का आएगा ना, ये तो भाई ये तो आपके पास क्या आएगा, पूरे सॉल्यूशन का आएगा, इजंट इट। लेकिन मुझे पूरे सॉल्यूशन की नहीं हुई, मुझे आयत, क्योंकि लेकिन ज्यादातर जो क्या बोलते हैं भाई फिनोमेना होती हैं, उनमें आपको पूरे सॉल्यूशन की आयन इंट्रैक्शन नहीं, मतलब पूरे सॉल्यूशन की आपको फ्री एनर्जी नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन की या फिर आपको क्या चाहिए, फ्री एनर्जी चेंज या आयन आयन इंट्रैक्शन, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी आपको फ्री एनर्जी चेंज पूरे सिस्टम का होना चाहिए, क्या चाहिए आपको, किसी पर्टिकुलर आयन टाइप का, मतलब NaCl है तो सिर्फ Na कैसे भी करेगी, Na क्या होगा, आयन इंट्रैक्शन, नहीं है क्या आपको भाई,
कि एन ए का बाकी आयन से आयन इंट्रैक्शन क्या होगा, म्यूचुअल नहीं किसी एक स्पीशीज के लिए, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो ये जो फ्री आयन एक्सचेंज है ये तो क्या पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो एक आयन के लिए निकालना हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, पार्शियल, आपने क्या करना पड़ेगा पार्शियल फ्री एनर्जी चेंज, यानी कि आयत स्पीशीज के लिए, किसके लिए भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो आपने यहां पर आयन आयन इंट्रैक्शन वो तो क्या करना है, आयत टाइप ऑफ आयन बाकी सब आयन से कैसे इंट्रैक्ट करती है, इसे क्या बोलते हैं बताओ भाई, बताओ इसे क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल, क्या बोलते इसको भाई, डेल्टा म्यू, अरे केमिकल पोटेंशियल चेंज ये क्या हो जाए हमारे पास, ये केमिकल पोटेंशियल चेंज, जहां पर ये जो डेल्टा म्यू आई बताओ क्या, ये क्या है, बोलो भाई, डेल्टा म्यू फॉर आई स्पीशीज, और उनका रेडियस आप क्या मान लो आई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही, अरे भाई आपने आई स्पीशीज का केमिकल पोटेंशियल चेंज अपने मालूम करना है, आपने सारे का सारा फ्री एनर्जी चेंज अपने मालूम नहीं करना, क्योंकि मोस्टली स्टडीज में आपको आयत स्पीशीज मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज का आपको क्या चाहिए होता है, आयन आयन इंट्रैक्शन बाकी सिस्टम बाकी आयन से, बात आपको पहले पड़ी। तो आप ही मानो भाई, आप ही मानो आयत टाइप, मान लिया हमारे पास क्या सॉल्यूशन में क्या है, सोडियम भी और क्या है क्लोराइड भी, तो हम किसको स्टडी करें सिर्फ, मान लिया सोडियम आयन्स की, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मानो उनका रेडियस मान लो आप आर, मान लिया आपके पास आयत टाइप ऑफ आयन है, तो उसका रेडियस आपका मान लो भाई आयत टाइप ऑफ आयन का पहले तो डेल्टा म्यू आई आई, ठीक है, आयन आयन इंट्रैक्शन ऑफ आइथ स्पीशीज, आयन आयन इंट्रैक्शन ऑफ आइथ, आइथ टाइप ऑफ स्पीशीज का आयन इंट्रैक्शन बाकी आयन से, अब ये निकालना है ना, डेल्टा म्यू आई क्या, तो ये और इस आइथ टाइप ऑफ आयन का रेडियस क्या मान लो आर आई, ठीक है। तो इनको चार्ज करने में, तो इन आयन्स को चार्ज करने में जो वर्क होएगा मैं वो निकाल लूं भाई, इन आयन्स को चार्ज करने जो वर्क होगा हम निकालने क्या, बोलो भाई, तो कंप्यूटिंग द वर्क ऑफ चार्जिंग स्फीयर फ्रॉम न्यूट्रल स्टेट टू फुल चार्ज, ये मान लो भाई कि आपने न्यूट्रल से कितना चार्ज करना है, जेड आई ई नोट, अरे बोलो भाई जेड आई और ई नोट, ठीक है, अरे ये क्या भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज, ओके। तो अब बताओ मेरे पास क्या आएगा, तो भाई इनको न्यूट्रल स्टेट से चार्ज करने में कितना काम आएगा, अब ये पता किसे मैच करता है, अब आपने वो स्फीयर मान लिया, आपने इन आयन्स को क्या मान लिया है, स्फीयर, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में किसी स्फीयर को चार्ज करने का वर्क क्या होता है बताओ, स्फीयर में किसी अरे भाई इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में ये बात लिखी होती है, किसी स्फीयर को चार्ज करने का वर्क क्या होता है बताओ, बताओ वन बाई टू चार्ज ऑन दी कंडक्टर और मल्टीप्लाई क्या, इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ऑफ दी कंडक्टर, कि कंडक्टर का चार्ज इनटू इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल। तो आप बताओ भाई चार्ज कितना चार्ज किया आपने, जीरो से आपने कितना चार्ज किया है आई स्पीशीज को, जेड आई ई नोट। तो अब क्या करो सिंपली भाई, तो वन बाई टू यहां पर रेडियस क्या है, अरे चार्ज ऑन द कंडक्टर, चार्ज कितना कंडक्टर के ऊपर, यहां पर हमारे पास आयन कौन सी है, जेड आई सॉरी हमारे पास आई आयन कौन सी, आई आयन है, तो उनका चार्ज क्या, जेड आई आई है, और पोटेंशियल क्या मान लो आप, बोलो भाई ई नॉट सॉरी अरे साई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या, यानी आप क्या करो भाई, भाई इलेक्ट्रोस्टेटिक में आपको पता है किसी स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज करने का वर्क कितना होता है, उस कंडक्टर का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उसका पोटेंशियल का हाफ होता होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोस्टेटिक कंडक्टर की वजह हमारे पास क्या है, आयन्स हैं जस्ट भाई, हमारे पास कौन है आयन्स, और कौन सी आयन है, आयत टाइप की, तो आयत टाइप की आयन्स का चार्ज और इनटू उनका पोटेंशियल, आयत टाइप की आयन्स और उनका टोटल पोटेंशियल, आपने वही तो पुट करना होगा, इजंट इट, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो इसके ऊपर लगने वाला सारे का सारा पोटेंशियल आप यहां पुट कर दें, इजंट इट, अब बताओ क्या आएगा, बताओ। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, और अगर वन मोल के लिए भैया तो क्या है, ये तो एक क्या है, ये तो एक आयन के लिए ही होगी, ये तो एक स्फेरिकल कनेक्टर यानी कि एक आयन के लिए है, अगर हमारे पास वन मोल ऑफ क्या हो आयन्स, तो आपने इस W को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगैड्रो
नंबर से, तो मेरे पास क्या जाए तो भाई डेल्टा म्यू आई एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो बाहर क्या हो भाई एवोगैड्रो नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, इजंट इट। तो बताओ यहाँ पर यानी कि आप एक तरह से आयन आयन इंट्रैक्शन मेजर कर सकते हो, आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया आयन आयन इंट्रैक्शन को मेजर करने का इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल चेंज, इजंट इट। लेकिन अब दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ पर एक चीज़ अवेलेबल नहीं, बताओ क्या भाई एन ए एम को पता है एवोगैड्रो नंबर है, जेड एम को पता है भाई, ई एम को पता है, लेकिन हमको क्या नहीं पता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। भाई हमको पोटेंशियल तो नहीं पता, इजंट इट। अब पोटेंशियल निकालने के लिए आपने बताओ क्या करना पड़ेगा भैया, आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना भाई, पोटेंशियल पुट किए बिना हमारे पास ये केमिकल पोटेंशियल चेंज नहीं आ सकता ना, क्या सकता है। तो आप कहोगे केमिकल पोटेंशियल चेंज कैसे निकालें, बोले कोई बात नहीं, जितने भी क्या होते हैं पोटेंशियल, जितने भी क्या होते हैं भाई पोटेंशियल किसी पॉइंट अगर आप, अरे भाई सारे के सारे आप जो रेफरेंस आयन है क्या है हमारे पास, हमने क्या मान लिया भाई, हमारे पास क्या मान लिया रेफरेंस आयन जो हम कंसिडर कर रहे हैं भाई, अरे भाई जिसको आपने क्या मानना है, जिसका चार्ज आपने क्या मानना है जेड आई ई नोट, रेफरेंस आयन का चार्ज आपने क्या मानना है जेड आई ई नोट। तो मैं क्या करूँगा सिंपली, मैं इस जेड आई ई नोट से जितनी भी आयन है बाकी क्या भाई, क्योंकि ध्यान रखियो भाई क्योंकि सोल्यूशन से क्या हो जाएगा, इसे कौन सराउंड कैटायन कौन सराउंड कर लेंगी, बहुत सारी एन आयन सराउंड कर लेंगी क्या, और एन आयन क्या सराउंड कर लेंगी कैटायंस। तो मान लिया हमारी आयन अंडर कंसिडरेशन कौन सी है कैटायन, तो उसको बहुत सारी क्या सराउंड कर रही है एन आयन सराउंड कर रही है, तो आपको क्या दिक्कत है, हमने क्या करना सभी केमिकल निकालनी है, बोलो भाई दूरी हमने सभी सभी आयंस की, तो आपने क्या करना भाई, आप कहोगे टोटल पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ भाई, बताओ सभी पोटेंशियल्स को का सुपर इम्पोजिशन कर दो भाई, क्या करो जितने ही पोटेंशियल हो इस आयन के ऊपर क्या करो सभी का उनको उनका वही लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन पोटेंशियल भाई, इजंट इट। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको भाई सभी आयंस की दूरी चाहिए क्या भाई, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड क्या होगी बताओ, अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एग्जर्ट एट दी रेफरेंस आयन बाय इट्स इंटर आयनिक सराउंडिंग, आपने ये निकालना भाई। अब लॉ ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल के जरिए आप ये मालूम कर सकते हो भाई, ठीक है कि किसी पॉइंट पे असेंबली ऑफ चार्ज से कितना पोटेंशियल लगता है, लेकिन इसके लिए आपको भाई लेकिन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज अंडर कंसिडरेशन उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता क्या भाई, आपको हो गया आपको अपने पोटेंशियल पुट करना है, हम सारे पोटेंशियल जोड़ देंगे ठीक है, लेकिन सारे पोटेंशियल सुपर इम्पोज करने से पहले आपको हर एक पोटेंशियल की रिक्वायर्ड क्या होती है डिस्टेंसेज क्या भाई, आपको इंट्राइनिक डिस्टेंसेज आपको चाहिएगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी, और डिस्टेंसेज के लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए सभी आयंस की पोजिशन, भाई आपको आयंस की पोजिशन ना पता तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इज इट पॉसिबल बोलो भाई, और उनकी उनकी पोजिशन निकालना क्या बहुत मुश्किल भाई, उनकी पोजिशन निकालना क्या बहुत ज़्यादा भाई मुश्किल है, यानी कि भाई पोटेंशियल निकालना यहाँ पर क्या है, तो इस मेथड से पोटेंशियल निकालना क्या भाई, यानी आपको एक तरह से टाइम एवरेज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सभी आयंस का आपको सेंट्रल आयन के अराउंड रेफरेंस आयन के अराउंड सभी आयंस का आपको क्या चाहिएगा टाइम एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, समझे बात, ताकि भाई टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल जा सके हर एक आयन की डिस्टेंस को इस्तेमाल करके, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा क्या है मुश्किल। तो इसको भाई डिबाय अक्कल ने इस चीज़ को तोड़ा एक बहुत ही यूनिक आइडिया बना के, अरे भाई डिबाय अक्कल ने इस चीज़ को कैसे तोड़ा, बहुत यूनिक एक उन्होंने थ्योरी दी, वो बोले कि आप एक काम करो भाई, आपको अलग अलग आयंस की पोजीशन मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैटायन को सराउंड करने वाली एन आयंस सभी एन आयंस की पोजीशन आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे मान लो कि जैसे कि उसका क्लाउड बन रखा हो, जैसे कि नहीं हाइड्रेशन होता है, जब क्या होता है हाइड्रेशन, तो वहाँ पर क्या वाटर कौन सराउंड कर लेते हैं बोलो भाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या मान लेंगे
कि कैटायन के अराउंड एन आयन क्या कर लेंगी, एक भाई घेरा, एक क्या बना लेंगी, गुच्छा बना लेंगी। निसमझे बात बोलो भाई। तो हम इसको ऐसे ना बोल के, मैं ये बोल दूंगा कि भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, मुझे इन आयन की पोजिशन मालूम करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या बोल दूंगा कि से का एक आयन को ये बहुत सारे नेगेटिव क्लाउड ने सराउंड कर रखा है, क्या नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, इसको भाई किसने सराउंड कर रखा है, नेगेटिव क्लाउड ने। और वो क्लाउड क्या है, नेगेटिव, नहीं आपको बात आपको पहले पड़ रही है। इसमें आपको अलग अलग आयन ढूंढने की जरूरत नहीं है, अलग अलग आयन की आपको डिस्टेंस मालूम करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या मान लो कि कैटायन को एन आयन जो क्या कर रहे सराउंड कर रही ना, उनका आप क्या मान लो, एक बोलो भाई एक क्लाउड मान लो, एक बादल सा मान लो। समझे बात, अरे बोलो भाई ओके। और वहां पर आप क्या निकाल लो, चार्ज डेंसिटी, क्या भाई चार्ज डेंसिटी, क्योंकि क्योंकि भाई क्योंकि अगर आपने सारी की सारी नेगेटिव आयन एक तरह से मिक्सअप से कर दी, अरे उनको उनको औचपच बना दिया भाई। नहीं समझे बात, जैसे भाई एक किसी से, अरे भाई मान लिया एक बकेट में बहुत सारे टमाटर हैं और प्याज हैं, उनको मिला के वहाँ पर क्या बना दूँ उनका भाई, नहीं बता, अरे भाई आइडिया हो, कुछ आपको आइडिया हो रहा है। तो बोले भाई क्यों ना हम इसको हम क्या मान लें, क्लाउड मान लें, ठीक है बात, और वाटर क्या मान लें, डायलैक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम बताओ क्या हो जाएगी भाई, बोलो भाई नहीं समझे बात। तुम क्या मानेंगे कि जो डिस्क्रिएट चार्ज, बोलो भाई, अरे भाई जो चार्ज है ना, जो डिस्क्रिएट चार्ज है वो सिर्फ किसको साइन किया बताओ भाई, जो जो अलग चार्ज होता है बिल्कुल ही प्रॉपर चार्ज होता है वो सिर्फ रेफरेंस आयन को क्या करना है, अलॉट करना है। अरे भाई नहीं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर एक आयन के आपके पास क्या होना चाहिए, चार्ज और डिस्टेंसेज, इजंट इट। अब क्या बोले कि डिस्क्रीट चार्ज सिर्फ किसको दो आप, सेंट्रल आयन को, रेफरेंस आयन को, और बाकी आयन को चार्ज को आप भाई डिस्क्रीट चार्ज ना दो, उनके चार्ज मिला के और क्या बना दो, एक चार्ज का क्लाउड सा, नहीं समझे बात। और वहां पर आप देख लो भाई कि उस क्लाउड में चार्ज की डेंसिटी कैसे वेरी करती है, चार्ज की डेंसिटी कैसे वेरी करती है, कुछ आपको आइडिया हो हल्का फुल्का कि नहीं, आप बताओ भाई। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, रेफरेंस आयन, और देखो मैंने रेफरेंस आयन को मैंने क्या लगाया है, पॉजिटिव, बाकी मैंने यहाँ पर नेगेटिव आयन सारी क्या कर दी, मैंने भाई नेगेटिव आयन सारी यहाँ पर क्या कर दी भाई, गायब कर दी, इजंट इट। तो ये तो क्या है, पॉजिटिव आयन सेंटर में, और ये जो क्या है शेडेड एरिया है, ये क्या है, एक्सेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू सराउंडिंग आयंस, और ये व्हाइट क्या है, बोलो भाई व्हाइट, ये क्या भाई, सॉल्वेंट। अरे भाई ये, अरे इस बॉक्स के अंदर भाई आपको कोई सॉल्वेंट यहाँ भी, अरे भाई तो बाहर तो ऐसे बना रखा है कागज है तो, अरे भाई इसके अंदर ये क्या है, सॉल्वेंट, और ये ब्लैक क्लाउड क्या बताओ भाई, एक्सेस चार्ज है। आपको कहोगे एक्सेस चार्ज डेंसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो ओवरऑल तो क्या रहेगा, न्यूट्रल। भाई आप ये कह सकते हो कि एक्सेस चार्ज, इसको मैंने भाई एक्सेस चार्ज डेंसिटी क्यों बोला, क्योंकि भाई सॉल्यूशन तो क्या रहना है, न्यूट्रल। तो चार्ज कहाँ से आ गया यहाँ पर भाई, सॉल्यूशन ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। सॉल्यूशन ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल, ओवरऑल उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज एक सा नहीं होगा, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे न्यूट्रल नहीं होता, क्या होता बताओ भाई, कैटायन के नजदीक क्या होगा, कैटायन के नजदीक क्या होगा बताओ भाई, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, क्या होगा कैटायन के अराउंड क्या होगा, एक्सेस नेगेटिव चार्ज। नहीं समझे बात, अगर बराबर होता एक कैटायन, एक कैटायन के पास एक एनायन होती तो एक्सेस चार्ज बोलते ही नहीं भाई, एक कैटायन को कौन सराउंड करे, बहुत सारी एनायन सराउंड नहीं कर रही क्या, तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, एक्सेस चार्ज, एक्सेस चार्ज डेंसिटी। तो बात हम किसी करेंगे, एक्सेस चार्ज डेंसिटी की, नहीं आपको आया क्या, अरे बोलो भाई। और सिमिलरली अब बताओ, तो कैटायन के अराउंड क्या आपको फिर भाई, तो फिर तो यहाँ पर नेगेटिव, फिर तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, फिर तो आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्यों, कैटायन थोड़ा है और एनायन का चार्ज क्या है, ज़्यादा भाई। अरे भाई अगर किसी कैटायन को एनायन एनायन सराउंड कर रही है तो उस गुच्छे में क्या है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, तो किसी एनायन को कैटायन भी सराउंड कर रही होंगी, उसमें एनायन के अराउंड क्या होगा, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, एक जगह कैटायन को एनायन सराउंड कर रही है, एक जगह एनायन को कैटायन सराउंड कर रही है, तो क्या वो उनके एक्सेस चार्जेस आपस में
तो एक पॉइंट पे तो क्या होगा, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, एक पे क्या होगा एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, तो बैलेंस नहीं हो जाएंगे भाई। तो इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, न्यूट्रल। नहीं है क्या? अरे बोलो भाई। तो अब आपने सिंपली बताओ क्या करना, बताओ भाई बताओ। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने भाई पोटेंशियल था ना जो ओवरऑल पोटेंशियल था, क्योंकि याद रखो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या था, अरे मेरे पास भाई ओवरऑल फॉर्मूला क्या था भाई, क्या था हमारे पास म्यू आई आई बताओ क्या था हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई टू, क्या था अंदर बोलो भाई, जेड आई पी नोट प्लस साई, बताओ ना क्वेश्चन का, अरे बोलो भाई साई आर, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल भाई, जो कि डिस्टेंस का फंक्शन होता है, जो क्या होता है इंटर आयनिक डिस्टेंस का फंक्शन होता है, इजंट इट। हाँ बोले भाई इंटर आयनिक डिस्टेंस तुमने निकालनी नहीं, बल्कि हमने क्या कर दिया भाई, हमने तो क्या मान लिया है क्लाउड मान लिया पूरा, और वहाँ पर हमने क्या मान लिया एक्सेस चार्ज डेंसिटी। तो अब मेरे पास भाई कोई ना कोई फॉर्मूला तो आपको डिस्टेंसेज नहीं है, तो इस साई को कैसे निकालें अब भाई, आपके पास फिर कोई ना कोई क्वेश्चन कैसे होनी चाहिए जो साई आर को किससे कोरिलेट करती हो, एक्सेस चार्ज डेंसिटी से। नहीं आपको, यानी हमारे पास कोई ना कोई क्या इक्वेशन होनी चाहिए बताओ भाई, बताओ, जो कि साई आर को, क्योंकि भाई हमने इंडिविजुअल आयन तो मैंने माननी ही नहीं, मैंने तो क्या माननी है उन आयन का मिक्सचर सा मान लिया भाई, कैट आयन को सराउंड करने वाली आयन मैंने अलग अलग माननी है क्या भाई, क्या माना मैंने उनका एक मिक्सचर सा नहीं मान लिया, क्लाउड सा नहीं मान लिया भाई उनका एक हो मुझे, नहीं आया आपको। तो आपके तो भाई अब जो इंडिविजुअल आयन नहीं है तो साई आर निकालने का कोई तरीका नहीं बचा वहां पर, अरे इंडिविजुअल डिस्टेंस से, तो आपको आर से क्या कोरिलेट करना पड़ेगा, अब आपको आप क्या मालूम कर सकते हो, एक्सेस चार्ज डेंसिटी, डिस्टेंस तो हम अलग अलग आयंस की डिस्टेंस तो आप मालूम नहीं कर रहे ना, क्या मालूम कर सक कर रहे हो भाई, आप क्या मालूम कर रहे हो, सारी आयंस जो घेर रही थी ना उस आयन को इकट्ठा करके चार्ज क्या मान लिया उसका, सॉरी एक्स सारी आयन उनका चार्ज आपने क्या मान लिया भाई, एक तरह से इकट्ठा कर दिया, उसे मैंने क्या बोल दिया एक्सेस चार्ज डेंसिटी। तो भाई अब आपके पास उस एक्सेस चार्ज डेंसिटी यानी कि रो, इसको क्या बोलते हैं भाई, रो बोलते हैं। तो आपको रो आर को, रो को आपने किससे कोरिलेट करना पड़ेगा, साई आर से, क्योंकि भाई केमिकल पोटेंशियल तो हमारे पास कब आएगा, इसको निकालने के लिए तो हमको भाई रिक्वायरमेंट तो हमें रहेगी भाई, ध्यान से देखो, इसके लिए आपको साई तो आपको चाहिएगा, पक्की बात है, बिना साई काम चलने का है नहीं भाई, नहीं है क्या आपको भाई, साई तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है ही, इजंट इट। तो साई कैसे निकालें, तो आपको इस साई का कोरिलेशन किससे मालूम होना चाहिए, एक्सेस चार्ज डेंसिटी से। ऐसे हम सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल भी क्या कर जाएंगे, अवॉइड कर जाएंगे। तो एक इक्वेशन होती है बताओ भाई, तो बताओ स्फेरिक सिमेट्रिकल, और हमने भाई यहां पर क्या माना था कि उसको चारों तरफ से घेर रहा है, कौन क्लाउड इसको चारों तरफ से घेरेगा ना, कि नहीं घेरेगा भाई, भाई कैटायन को एनायंस चारों तरफ से नहीं घेरेंगे क्या, तो किस तरह का कोऑर्डिनेशन, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा एनायंस का अराउंड कैटायन, स्फेरिकली सिमेट्रिक क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक। तो भाई हमको ये तो पता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हमको ये तो पता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो अगर कोई ऐसी क्वेश्चन आपको मिल जाए जो स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पोटेंशियल क्या भाई, पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी को कोरिलेट करती हो, तो बल्ले बल्ले हो जाए ना, ऐसी क्वेश्चन होती है पॉइजन इक्वेशन, कौन से भाई बोलो भाई, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी बताओ, अरे बोलो भाई। तो हमारे पास ओके, तो आप ये बताओ भाई, ठीक है ये बताओ भाई, तो इसको भी बल्कि पॉइजन नहीं, इसको पॉइजन बोलो भाई, अरे थोड़ा पॉइजन तो ऐसा लगता है, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो बताओ भाई ये बताओ मेरे पास क्या है पॉइजन इक्वेशन, बात आपको पहले पड़ी, यहां पर देखो रो आर, यहां पर साई आर भी है, यहां पर साई आर भी, और यहां पर कौन है भाई रो आर भी है, बात आपको पहले पड़ गई भाई,
तो हमको पता है कि स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रो आर और साई आर को कोरिलेट करने वाली एक इक्वेशन होती है। कौन सी? पॉइसन इक्वेशन, बोलो भाई। और क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है भाई? क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? कि क्या ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है, बोलो भाई। तो अभी काम करो, तो आपने करना क्या है बोलो भाई? तो ये तो हमारे पास क्या है, रेफरेंस साइन। ये तो क्या भाई, रेफरेंस साइन। और ये क्या है, पॉइंट। तो रेफरेंस साइन के अराउंड बहुत सारा स्पेस होता है ना भाई, तो मुझे पता करना है इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में, ध्यान रखो इसके अराउंड क्या है, इसके अराउंड क्या फैला हुआ है, नेगेटिव क्लाउड। इसके अराउंड क्या फैला हुआ है, नेगेटिव क्लाउड। उस नेगेटिव क्लाउड के अंदर, इस छोटे से बॉक्स के अंदर मुझे क्या मालूम करना है, एक्सेस चार्ज डेंसिटी भी। क्यों भाई, एक्सेस चार्ज डेंसिटी मालूम करनी है भाई? क्योंकि पोटेंशियल से क्या होते हैं वो रिलेटेड, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो आपको एक्सेस चार्ज डेंसिटी और यहां क्या मालूम होना चाहिए, पोटेंशियल। क्या नहीं आपको समझ आया? तो एक्सेस चार्ज वो आपने से मालूम करना है, ठीक है बात। अरे भाई ये बॉक्स ये यहां से हो गया, देखो यहां से नजर आया आपको, यहां से मान लो बॉक्स, लेकिन यहां पर मैंने इसको टू डायमेंशन में शो कर रखा है। तो इस बॉक्स में क्या निकालना आपने, एक्सेस चार्ज डेंसिटी क्या मान लो इसको, रो आर। वॉल्यूम एलिमेंट क्या है ये, डीवी। और ये बताओ क्या है, बोलो भाई, साई आर। ये मेरा रेफरेंस साइन है। तो आप पॉइजन इक्वेशन को क्या करो, रीअरेंज करो किसके लिए, तो जो पॉइजन इक्वेशन थी वो इसको आप रीअरेंज करो रो आर के लिए। तो मेरे पास क्या क्या बताओ, क्या मेरे पास रो आर ये आ जाएगा ना, इजंट इट। अब बताओ भाई, एक लीनियराइज्ड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होता भाई क्या? भाई फिलहाल देखो इसका मैं आपको बताऊं भाई, एक्सट्रीमली जो डिटेल्ड क्या है डेरिवेशन, वो मैंने भाई एमएसमेट कर रखा है। लेकिन फिलहाल आप देखो भाई, एक लीनियराइज्ड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बताओ, चार्ज डेंसिटी का ये होता है भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, तो ये भी रो आर और ये भी क्या है, रो आर। क्या आप इसको और इसको आपस में भाई इसको इक्वल पुट कर सकते हो क्या? क्यों नहीं पुट कर सकते? थोड़ा क्या करो, इसको रीअरेंज करो। फिर इसमें क्या करो भाई, इसमें एक कांस्टेंट डिफाइन कर दो, कौन सा, इसके इसको आप क्या मान लो, कांस्टेंट कैपा स्क्वेयर। इसे आप क्या मान लो भाई, इसे आप क्या मान लो भाई, अरे कैपा स्क्वेयर या के स्क्वेयर बोले, बल्कि कैपा स्क्वेयर बोले इसको भाई, ठीक है। तो बताओ, अरे भाई, अरे भाई ये तो पॉइजन इक्वेशन को रीअरेंज करके आ गया, ठीक है। लीनियर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि रो आर तो ये होती है, तो ये भी रो आर और ये भी रो आर दोनों मैंने इक्वल पुट कर दी क्या, थोड़ा रीअरेंज किया, मेरे पास ये बन गया ना। अब ये 4 पाई बाई एप्सिलॉन केटी फलाना ढिमकाना जो है ये, ठीक है बात। क्या करूँ इनको बताओ भाई, अरे बोलो भाई, इस सब का मतलब कैपा स्क्वायर, इसको कैपा स्क्वायर मान लो। तो मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बन गया बताओ भाई, क्या मेरे पास ये क्वेश्चन ये नहीं जाएगी क्या, इजंट इट भाई? क्या हमारे पास क्वेश्चन नहीं जाएगी? अब ये क्या एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? और जैसे आपने भाई क्वांटम मैकेनिक्स में आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, वेव फंक्शन आएगा ना। अरे वहां पर क्या करता, वेव फंक्शन आया करता। तो यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, साई आर की। किसकी भाई, ये पोटेंशियल की। तो क्या यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, 1D बॉक्स में आपके पास क्या आया करते, डिफरेंशियल इक्वेशन आया करती ना किसकी, वेव फंक्शन की। तो उसको सोल्व करने पर क्या आया करता, वेव फंक्शन। तो यहां पर जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है, पोटेंशियल की है, पोटेंशियल फंक्शन की। अरे बोलो भाई, तो इसको सॉल्व करने पर बोलो भाई मुझे क्या मिल जाना चाहिए बताओ भाई, पोटेंशियल। तो मेरे पास किसका एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए बताओ भाई, पोटेंशियल का। नहीं बात आपको पले पड़ी? अरे बोलो भाई, अब काम करो आप, इक्वेशन 10 को और 4 कंपेयर करो। अच्छा तो यहां पर के स्क्वेयर साई आर क्या है ये ना, तो आपके पास साई आर आया कि नहीं आया, साई आर पक्का, इसको मैं भाई लिख देता हूँ। साई आर क्या है मेरे पास बताइयो, साई आर क्या था मेरे पास, क्या था बताओ, जेड आई ई स्क्वेयर बाई एप्सिलॉन। ओके, जेड आई ई स्क्वेयर बाई डायरेक्ट कॉन्स्टेंट और इनटू क्या होता है हमारे पास, ई की पावर माइनस
कैपा आर वाई आर, ये आ गया ना भाई, तो साई आर तो मेरे पास आ गया। चलो ठीक है भाई, साई आर यहां पर पुट करने के लिए आ गया मेरे पास, इजंट इट। अब और बताओ, ओके अब बताओ भाई, ये बताओ मेरे पास इक्वेशन 10 क्या है? अरे भाई पॉइजन इक्वेशन को बैलेंस करने वाला प्लस ये आया था, तो के स्क्वेयर साई आर पॉइजन इक्वेशन को बैलेंस करने पर के स्क्वेयर साई आर क्या रखा है? कैपा स्क्वेयर साई आर क्या रखा है? ये रखा है ना। अरे भाई 1/r स्क्वेयर dr भाई ये क्या रखा है? कैपा स्क्वेयर साई आर रखा है नहीं आपको? अब लेकिन भाई 1/r स्क्वेयर इक्वेशन 4 में आप इसकी वैल्यू देखो, इक्वेशन 4 देखियो कहाँ है, तो 1/r स्क्वेयर d बाई डी आर ये भी तो क्या है, -4πε ρr नहीं है क्या? तो इक्वेशन 4 में क्या है बताओ, 1/r स्क्वेयर d बाई डी आर इंटू दिस इज इक्वल टू -4πε ρr ये है ना। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, -4πε ρr और यहां पर सॉरी यहां पर इसी की वैल्यू क्या है बताओ भाई, कैपा स्क्वेयर रो आर सॉरी साई आर नहीं है क्या आपको? तो कैपा स्क्वेयर साई आर भाई यहां से तो, अरे भाई इसकी वैल्यू क्यों नहीं है 1/r स्क्वेयर डी बाई डी आर, आर स्क्वेयर डी साई आर बाई डी आर क्या है मेरे पास, ये कैपा स्क्वेयर साई आर, और यहां से बताओ क्या है मेरे पास, तो क्या मैं -4πε ρr को इक्वल पुट नहीं कर सकता क्या? तो -4πε ρr को बोलो भाई, -4πε ρr को मैं किसके इक्वल पुट कर सकता हूं बताओ भाई, बताओ कैपा स्क्वेयर साई आर के, इजंट इट? तो कहां गया भाई, कैपा स्क्वेयर साई आर, कैपा स्क्वेयर साई आर। अब यहां से आप रो आर निकाल सकते क्या बोलो भाई, अब आप एक इसको साइड फेंक दें तो मेरे पास रो आर क्या आ जाएगा बताओ भाई, एप्सिलॉन बाई -4πε बोलो भाई कैपा स्क्वेयर साई आर। अब बताओ, अब साई आर की वैल्यू मैं यहां से उठा के एथे पुट कर दूं मेरे पास क्या जाएगा, तो क्या आपके पास भाई एक्सेस चार्ज डेंसिटी भी आई क्या कि नहीं भाई? तो बताओ, तो बताओ मेरे पास एक्सेस चार्ज डेंसिटी बताओ मेरे पास क्या भाई, मैं सॉल्व कर तो मेरे पास क्या, अरे इसमें वैल्यू पुट कर दी, बताओ एक्सेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या आएगी, -ZiE² कैपा स्क्वेयर बाई 4πr। अरे आपने ये उठा के यहाँ पुट कर दिया तो क्या देखियो आप 4π सॉरी रो आर बताओ, तो ऊपर तो क्या गया हमारे पास, अरे भाई क्या गया मेरे पास रो आर क्या गया, याद करो इनको भैया पेपर में ड्राइव करने टाइम नहीं होता, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्या है मेरे पास -εψιλον कैपा स्क्वेयर और ई स्क्वेयर है ना, बोलो भाई, अरे भाई एप्सिलॉन नहीं सॉरी -εψιλον कैपा स्क्वेयर जेड आई ई स्क्वेयर बाई 4π एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या हो जाएगा कैंसिल, और -e⁻¹ कैपा आर बाई आर, और ये क्या हो कैंसिल हो गया, तो क्या है मेरे पास रो आर बताओ, बोलो भाई -ZiE ये है ना मेरे पास भाई। तो मेरे पास ध्यान रखो भाई, हमारे पास एक्सेस चार्ज डेंसिटी भी आ गई और साथ में यानी हमारे पास एक्सेस चार्ज डेंसिटी भी और साथ में क्या आ गया पोटेंशियल भी आ गया, इजंट इट? आसान की मुश्किल हुई है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, अब इसको फर्दर प्रोसीड करने से पहले तो आपके पास, अच्छा बताओ अब यहां पर दोनों ही क्या है, अब इनके को आपसे ग्राफ पूछ ले कि इनका बताओ ग्राफ क्या आएगा, इनका भी ग्राफ क्या आएगा बताओ। तो अब यहां पर देखो आर यहां पर क्या है, अरे रो आर में हाँ, दोनों में आर यहां पर क्या डिवाइड में ना भाई, कोई आपसे ये पूछ ले कि इनका ग्राफ कैसे वेरी करेगा एक्सपोनेंशियल डीके कैसे भाई, बताओ पहले रो आर कैसे आएगा, तो रो आर को ऐसे लिखो कि जेड आई स्क्वेयर बाई एप्सिलॉन 1/r
इंटू वन बाई ई की पावर कैप्पा आर भाई, कैप्पा आर। अब जो आर बढ़ेगा यानी कि हम रेफरेंस साइन से हम दूर जाएंगे, अगर हम रेफरेंस साइन से भाई दूर जाएंगे तो बताओ पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। तो आयन के अराउंड टोटल पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा? आप कहोगे भाई ये तो क्या बोलता है, दूर जाएं तो ये तो क्या बोलेगा भाई, हम दूर जाएंगे तो क्या बोलेगा कि टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए बताओ भाई, घटना चाहिए भाई, क्या बोलेगा इनवर्स ले आ रही है क्यों जी, घटना चाहिए। और ये भी क्या बोलता है, आर बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, आर बढ़ेगा ये बढ़ेगा, यानी ये भी और ये भी दोनों क्या कह रहे हैं कि आर बढ़े तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए। यानी कि अगर मैं रेफरेंस साइन पे यहां देखू पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल कम पोटेंशियल और भी कम और भी, जितना मैं दूर जाऊंगा ना उतना ही पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई, पहला कंक्लूजन इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी ठीक है भाई, आपको पोटेंशियल तो है, चलो भी कम कम हो रहा है, अच्छी बात, अच्छी बात बोली, बोलो भाई। तो बताओ अब बताओ भाई एक्सेस चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी करेगी सुमित भाई, उसमें भी तो क्या है, उसमें भी क्या है बोलो भाई, फोर पाई ये सारा क्या है यहाँ पर, ये भी तो आ रहे क्या है इनवर्सली है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आर बढ़ेगा तो ये क्या बोलेगा, रो घटे, और आर बढ़े तो ये क्या बोलेगा, घटे भाई, ये माइनस पावर है, आर बढ़ेगा तो ये क्या बोलेगा भाई, इसको वैसे लिखो पहले भाई, रो आर इज इक्वल टू क्या है बताओ, नहीं बताओ आपको पहले पड़ रही है बताओ, क्या है हमारे पास ये, तो रो भी क्या होगी घटेगी, और साथ में बताओ तो रो भी घटना चाहिए, और भाई बताओ साथ में कौन घटना चाहिए, तो हमारे पास भाई साई आर भी, इजंट इट। अरे भाई रो भी घटेगी और साथ में क्या होगा, तो देखो साई आर भी घटता है और ये भी घटता है, इजंट इट भाई, आपको काफी हद तक ये एक्सपोनेंशियल डिके लग रहा है, इजंट इट ठीक है। अब आपको रो तो घटती है, इसका मतलब क्या भाई, यानी कि आयन के नजदीक क्या होगा, ज्यादा एक्सेस चार्ज नेगेटिव, लेकिन एक्सेस नेगेटिव चार्ज लगातार क्या भाई कम होता जाएगा जितना हम आयन से दूर जाएंगे, इजंट इट ठीक है। लेकिन तो आप ही बताओ भाई, तो और ये बात आपको देखो यहां से आपको मालूम भी हो रही होगी, आप ही बताओ भाई, तो यहां पर आप अगर मैं इसको एक्सेस चार्ज डेंसिटी बोलूं, किसको, इस बादल को भाई, तो बताओ नजदीक क्या है ये गहरा, और दूर जा रहे हो तुम क्या हो रहा भाई लगातार हल्का निपट रहा क्या, इजंट इट। तो भाई यहां से बात अब समझे कि मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन भाई होमोजीनियस क्यों नहीं बनाया एक साथ पूरे बॉक्स के अंदर, सॉरी इस पूरे रीजन के अंदर भाई, क्योंकि एक्सेस चार्ज डेंसिटी का पैटर्न ही ऐसा था, हम क्या करें भाई, नहीं आएगा आपको, तो यहां नजदीक और दूर जाएंगे तो एक्सेस चार्ज डेंसिटी लगातार कम होती जाए, इजंट इट ठीक है। आप कहोगे अब इसका फायदा क्या है, लेकिन ध्यान रखो जो एक्सेस चार्ज डेंसिटी होती है, अब आपने निकालनी है कि एक्सेस चार्ज डेंसिटी टोटल एक्सेस चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी करेगी, क्या टोटल एक्सेस चार्ज डेंसिटी कैसे, ये क्या चार्ज डेंसिटी है, ये टोटल एक्सेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे भाई अरे स्फेरिकल क्या करता क्लाउड भाई, वेव फंक्शन क्या करता, तो साइज स्क्वायर तो क्या करता घटा करता ना, थोड़ा मैं आपको कोरिलेशन बता रहा हूं, कोरिलेशन साइज स्क्वायर क्या करता घटा करता, इजंट इट। लेकिन जो क्या थे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो क्या थी, पहले बढ़ती फिर क्या थी, घटती थी ना भाई, क्योंकि क्योंकि जो क्या होती है प्रोबेबिलिटी क्या हुआ करती, न्यूक्लियस के अराउंड क्या न्यूक्लियस के अराउंड भाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी ऐसा ही नहीं हुआ करता क्या, जैसे कुछ कुछ यहां पर आया है बोलो भाई, तो वहां पर अगर आपने क्या निकालना होता टोटल प्रोबेबिलिटी, आप क्या करते, आप वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई क्या करते भाई, पता होगा ना एक पर्टिकुलर दूरी पे आपने क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, आप क्या करते हो, तो
तुम्हें अपने क्या करना पड़ेगा, इस दूरी प्रोबेबिलिटी, तो भैया सारी दूरी क्या बराबर नहीं है क्या? अगर मैं ये कहूँ भाई एक दूरी पे तो क्या होती थी प्रोबेबिलिटी, एक दूरी पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वेव की डेंसिटी लगातार घटती गई थी ना कि नहीं घटती गई थी भाई, इजंट इट? इलेक्ट्रॉन वेव की डेंसिटी लगातार घटती गई थी जैसे जैसे हम सेंटर से अवे मूव करते थे, इजंट इट? लेकिन ये बात ध्यान रखो भाई कि वहां पर जो टोटल क्या थी, जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना थी, वो साथ में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी, वॉल्यूम एलिमेंट से, किससे भाई? क्योंकि इस साइड इस पॉइंट के मुकाबले इस पॉइंट पर डेंसिटी क्या है, कम है, लेकिन ये लेकिन इस दूरी पर डेंसिटी क्या होगी, ये सारी डेंसिटीज इंटीग्रेट नहीं करनी पड़ेगी क्या? नहीं आएगा पसंद में? तो वहां पर आप क्या भाई वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं क्या करते, जिसे आप भाई जिसे आप साइज स्क्वेयर से मल्टीप्लाई क्या करते, बोलो भाई, वॉल्यूम एलिमेंट से, क्या वॉल्यूम एलिमेंट से। तो सिमिलरली भाई अगर आपने टोटल चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो आपने इस रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ। अब एक्सेस चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी करती है, इसके नजदीक क्या है, ज्यादा, इसके नजदीक क्या भाई यहां पर क्या होगी, ज्यादा, बोलो बोलो भाई। लेकिन फिर क्या लगातार यहां पर क्या होगी, ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर और भी कम, यहां पर और भी कम। लेकिन मैं ये कहूं एक खास दूरी पे अगर आपने क्या निकालनी है, एक्सेस चार्ज डेंसिटी, तो खास दूरी मैं कहूं कि 5 यूनिट पे क्या निकालो, एक्सेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या आप सिर्फ इसी वॉल्यूम एलिमेंट को इस्तेमाल करोगे, क्या आप सिर्फ इसी वॉल्यूम एलिमेंट का इस्तेमाल करोगे क्या? नहीं, बोलो भाई, इतने इतने वॉल्यूम एलिमेंट तो भाई 5 यूनिट तो यहां भी तो होती है, यहां भी होती है, यहां भी तो होती है, यहां भी तो होती है, यहां भी तो होती है, नया ना प्रश्नों में, तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई, समझे बात? 5 यूनिट की दूरी पे, यानी के सॉल्यूशन में 5 यूनिट की दूरी पे जितनी भी क्या है चार्ज डेंसिटी, वो सारी आपने इंटीग्रेट नहीं करनी पड़ेगी क्या? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो मैं आपसे सिंपली बात पूछता हूं, तो यहां पर आपके पास जो क्या है एक्सेस चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन, ये तो विद डिस्टेंस क्या है इसका वेरिएशन, लेकिन ये सिर्फ क्या है एक्सेस चार्ज डेंसिटी इन वन डायरेक्शन, क्या ये इन वन डायरेक्शन, एक्सेस चार्ज डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर इन वन डायरेक्शन ओनली, बताओ ना आपको भाई। और इन ऑल डायरेक्शन में लूं तो मुझे इसे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो भाई, ये कहां गया बताओ। तो आपको भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4πr² dr से, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली सेम चीज भाई, इनमें रत्ती भर अंतर नहीं है। मैं तो क्या करना, आपने आपने एक्सेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, ये एक क्या है छोटा स्फीयर, ये क्या है भाई बड़ा होलो स्फीयर, इनमें गैप कितना है, अभी ये क्या है रेफरेंस एंड अंडर कंसिडरेशन, ये क्या है एक स्फीयर, ये क्या है दूसरा स्फीयर, नहीं है क्या आपको, इन दोनों स्फीयर के बीच में गैप कितना है dr, कितना भाई? तो मुझे सारी एक्सेस चार्ज डेंसिटी चाहिए, मुझे एक्सेस चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए, मुझे टोटल एक्सेस चार्ज डेंसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए भाई। तो कहां से आएगा बताओ भाई, मैंने सारी ऐड करनी पड़ेगी, ये सारी एक तरह से, नहीं बताओ आपको पहले पड़ेगी क्या? अरे बोलो भाई, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम एलिमेंट से, किससे भाई बताओ ना, वॉल्यूम एलिमेंट से, वैसे ही तो हम क्या बोलेंगे, तो डी क्यू, तो रो तो क्या थी एक्सेस चार्ज डेंसिटी, और डी क्यू क्या है, डी क्यू बताओ भाई किसका एक्सप्रेशन हमारे पास, बताओ भाई, अरे कहाँ गया, तो बताओ भाई टोटल एक्सेस चार्ज क्या है हमारे पास, तो मेरे पास टोटल एक्सेस चार्ज क्या हो किस दूरी पे, तो भाई आप टोटल एक्सेस चार्ज, तो आप एक्सेस चार्ज डेंसिटी को जिसे वहां पर था ना प्रोबेबिलिटी किससे आया करती, आप वेव डेंसिटी को वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस बाहर वाले स्फीयर का सब क्या मान लो r प्लस डी आर, क्या मान लो भाई, अंदर वाला क्या मान लो r, तो बाहर वाले की वॉल्यूम क्या होगी 4/3 πr + dr³, और अंदर वाले की वॉल्यूम क्या होगी 4/3 πr³, बाहर वाले स्फीयर की वॉल्यूम में से अंदर वाले स्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर देंगे, मेरे पास क्या जाएगा इस रीजन की वॉल्यूम, तो इस रीजन की वॉल्यूम क्या होगी बताओ भाई, इसमें सारी डेंसिटी को
जोड़ लो एक तरह से, वो क्या आ जाएगा एक्सेस चार्ज इन दिस रीजन, नहीं आएगा आपको एक्सेस चार्ज इन दिस रीजन, तो वो तो क्या आएगा मेरे पास ये, तो डी क्यू क्या आएगा, तो रो आर क्या भाई, रो आर इंटू फोर पाई आर स्क्वेयर डी आर, फोर पाई आर स्क्वेयर डी आर भाई ये इसकी वॉल्यूम होगी, नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो आपके पास भाई जो चार्ज है ना किसी पर्टिकुलर दूरी पे, चार्ज डेंसिटी नहीं, क्या किसी पर्टिकुलर दूरी पे कितना चार्ज फैला हुआ है, वो चार्ज आपके पास आ गया, बोलो भाई आपके पास क्या आ गया, किसी पर्टिकुलर दूरी पे कितना चार्ज है, कि 5 यूनिट की दूरी पे चारों दिशाओं में कितना चार्ज बनता है, नहीं होता, नहीं होता आपको पहले पड़ गया, तो डी क्यू इक्वल टू आ गया, रो आर वहां से पुट कर दो, तो मेरे पास डी क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, तो माइनस एप्सिलॉन के स्क्वायर और जेड आई स्क्वायर बाई 4 पाई और ई की पावर माइनस कैपा आर बाई, ये मेरे पास क्या है भाई, और इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, बोलो भाई टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या गया, बोलो भाई एक पर्टिकुलर दूरी पे चार्ज का एक्सप्रेशन, कि भाई इस दूरी पे इस दिशा में कितना चार्ज है, सॉरी दिशा में नहीं भाई, इस दूरी पे सभी दिशाओं में कितना चार्ज बनता है, नहीं आपको सुन गया, इस दूरी पे सभी दिशाओं में डी आर विड्थ के वॉल्यूम एलिमेंट में, डी आर विड्थ के स्फेरिकल वॉल्यूम एलिमेंट में कितना चार्ज बनता है, आ गया ना मेरे पास ये, तो बताओ भाई, तो आपने क्या करना है, अब मुझे पता करना है कि किस दूरी पे, किस दूरी पे क्या भाई मैक्सिमम चार्ज, तुम क्या बोलेंगे कि जो ये हमारे पास क्या है टोटल चार्ज, ये पहले तो बढ़ेगा फिर क्या होगा, जैसे वहां पर क्या था भाई, अब जब आप आर बढ़ाओगे, अब जब आप क्या करोगे यार, अरे भाई अब जब आप आर बढ़ाओगे तब बताओ क्या हमारे पास, बताओ, अरे बोलो भाई, तो मेरे पास, मेरे पास बताओ क्या है मेरे पास, ये मेरे पास डी क्यू क्या आ गया मेरे पास भाई, ये आ गया ना इजंट इट, अरे बोलो भाई, ठीक है ओके, क्या ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लो भाई, आ गया ना आपके पास ये, आपके पास ये आ गया ना कि नहीं आया है, अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे पता करना है कि ये जो एक्सेस, कि मैक्सिमम एक्सेस चार्ज कितनी दूरी पे है, तो ये बताओ मैं कैसे मालूम करूं, बताओ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, अरे भाई डिफरेंशिएशन और इक्वल्स टू आपने क्या पुट कर देना बताओ भाई, जीरो, अरे भाई आप ये बताओ, आपने अब आपने क्या मालूम करना है, तो आपके पास चार्ज का फॉर्मूला क्या ना भाई, कि किसी पर्टिकुलर दूरी पे चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा, इजंट इट, अरे बोलो भाई, अब कोई ये बोल दे कि आपने मालूम करना है कि कितनी दूर पे क्या होगा मैक्सिमम चार्ज, क्या कोई क्या बोल दे भाई, कितनी दूर पे क्या होगा मैक्सिमम चार्ज, तो हम क्या करें, हम बताओ क्या करें सिंपली भाई, बताओ, अरे भाई आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का आपने क्या करना, डेरिवेटिव करके इक्वल्स टू जीरो पुट कर दोगे, अरे मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं भाई, बताओ डेरिवेटिव करके को इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, इजंट इट, तो इक्वल्स टू जीरो पुट करने पर बताओ हमारे पास क्या आएगा भाई, आप बताओ स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, बेटा मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप क्या होता है, जीरो होता होगा, तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करके इक्वल्स टू जीरो पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या जाएगा, जहां पर स्लोप क्या होगा, जीरो, यानी पहले तो क्या होगा भाई, ध्यान आप दूर जाओगे ना, तो पहले तो क्या होगा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, फिर क्या होगा चार्ज डेंसिटी घटेगी, पहले चार्ज डेंसिटी क्या होगी, समझ गए बात, नहीं बात आपको पहले पड़ी, पहले तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी, और फिर तो क्या होगी भाई घटेगी, इजंट इट, तो आपने तो क्या करना सिंपली भाई, डेरिवेटिव किया इक्वल्स टू जीरो पुट किया, अब ये बताओ भाई इसमें आप आर के अलावा हर चीज दूसरी तरफ फेंक दें, तो
तो आपके पास वो आर आ जाएगी जिसे मैक्सिम क्या होगी, एक्सेस चार्ज डेंसिटी। नहीं बात आपके पहले पड़ी, तो बताओ भाई। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया, मैंने इसको भाई वो बोलो भाई डिफरेंशिएशन क्या इक्वल्स टू, ये क्या है डिफरेंशिएशन के बाद का एक्सप्रेशन, ये नहीं बात आपको पहले पड़ी। इसको आपने इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया। अब आर के अलावा क्या करो, हर चीज़ को उस साइड फेंक दो। अरे बोलो भाई, ये आर तो पहले कम करो, ई की पावर क्या माइनस के आर, वहाँ फेंक दिया ई की पावर माइनस के आर, और बल्कि आप इसको साइड ले जाओ तो मेरे पास क्या जाएगा, ई की पावर माइनस के आर इज इक्वल टू के आर ई की पावर माइनस के आर, इजंट इट। बोलो भाई तो मेरे पास क्या आएगा, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा भाई, डेरिवेटिव पर इक्वल टू जीरो पुट करने पर क्या आएगा मेरे पास, ई की पावर माइनस के आर, और माइनस क्या है बोलो भाई, के आर ई की पावर माइनस के आर, ये ना हमारे पास, इजंट इट। ठीक है, इसको आप ये भी इक्वल टू जीरो है, अब इसको आप इस साइड फेंक दो तो मेरे पास ये आ गया ना, अब इससे क्या हो गया कैंसिल, तो आर क्या गया मेरे पास, कैप्पा इनवर्स, क्या कैप्पा इनवर्स, तो आर ये कौन सा आर आ गया भाई ये वो लेंथ आ गई जिसपे क्या होगी मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, यानी कि ये डेंसिटी पहले, यानी कि वजह से वहां पर था प्रोबेबिलिटी थी, जैसे हाइड्रोजनेट में क्या होती है, पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है बढ़ती है, फिर क्या होती है घटती है ना भाई, नहीं है क्या आपको। हालांकि इलेक्ट्रॉन वेव की डेंसिटी पहले क्या होती थी ज़्यादा, फिर लगातार क्या होती गई थी घटती गई थी, लेकिन यहाँ बताओ फिर क्या होगा हमारे पास, बताओ पहले प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले क्या होगी एक्सेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो एक्सेस चार्ज डेंसिटी क्या होती बताओ भाई, वो तो घटती है विद डिस्टेंस, लेकिन टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज, चार्ज के मिलने की संभावना एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, पहले तो बढ़ती है फिर क्या होती है घटती है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास बोलो भाई, डिस्टेंस ऑफ भाई, क्योंकि नहीं आ गया आपको भाई, ये मेरे पास क्या जाएगा डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम चार्ज, नहीं आ गया आपको डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम, इसको बोलते हैं डिबाय हकल रेसिप्रोकल लेंथ, ये इसको सिंपली भाई डिबाय लेंथ ही बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यानी आपने कैपा का आपने सिंपली क्या करना है इनवर्स, आपने यानी कि सिंपली कैपा आपने क्या कर देना है उल्टा कर देना है, क्या मिल जाएगा आपको, आपने कैपा सिंपली क्या कर देना है इनवर्स रेसिप्रोकल, समझे बात, तो क्या जाएगा आपके पास वो आर आ जाएगी जिसपे क्या होगा मैक्सिमम चार्ज, यहां ना क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं डिबाय हकल रेसिप्रोकल लेंथ, या इसको सिंपली डिबाय हकल लेंथ ही बोल देते हैं। ठीक है, अब बताओ तो आर मेरे पास ये आया, आर मेरे क्या कैपा इनवर्स, अब कैपा में क्या मान के चला था, कैपा में क्या मान के चला था भाई ये, तो क्या करो इसका उल्टा, इसका भी क्या करो आप भाई, कैपा आप ये मान के चले ना पक्का ये मान के थी, तो क्या करो, क्या करो इसका उल्टा करो, बताओ क्या जाएगा हमारे पास बोलो भाई, इसमें क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई मेरे ख्याल से आपको बात आपको पहले पड़ी नहीं, इसे क्या बोलते हैं डिबाय हकल लेंथ। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखियो या कि कम आएगा, तो हमारे पास सारे एक्सप्रेशन आ चुके हैं, आर मैक्स भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ भाई, आपको हो गया भाई, चलो हमारे पास तो क्या आ गया, अब आपको हो गए कि हमने यहाँ पर साई आर पुट करना था, हमने यहाँ पर पुट क्या करना था साई आर भाई, आपने क्योंकि आपने आयन आयन इंट्रैक्शन को क्वांटिफाई करना था, तो उसके लिए आपने यहाँ पर पुट क्या करना था बताओ, साई आर, इजंट इट, नहीं आपको समझ में, लेकिन ये साई आर पता क्या है, ये साई आर है केमिकल पोटेंशियल क्लाउड का, किसका, ये यहाँ पर आपने सिर्फ किसका पोटेंशियल पुट करना होता है, क्लाउड का पोटेंशियल, किसका भाई आप, लेकिन आपके पास जो साई आर रखा है ये किसका पोटेंशियल है, क्लाउड का नहीं है, यहां पर तो ये रेफरेंस आयन के अराउंड किसी पॉइंट पे क्या है पोटेंशियल है ना, लेकिन इसमें सराउंडिंग आयन का पोटेंशियल भी है प्लस रेफरेंस आयन का पोटेंशियल भी है, नहीं यहां पर तो सबके क्या है पोटेंशियल भाई, यहां तो सबके क्या है पोटेंशियल, हमने पुट क्या करना सिर्फ यहां पर क्या पुट करना सिर्फ भाई क्लाउड का पोटेंशियल, नहीं आएगा आपको
भाई इस फॉर्मूले में आपने पुट क्या करना होता है बताओ भाई। तो आप साई बोलो, आपने पुट क्या करना समझे भाई, साई पुट करना है नहीं ना प्रश्न में भाई, आपने पुट क्या करना सिंपली यहाँ पर, सॉरी साई साई क्लाउड, साई क्लाउड, लेकिन जो आपके पास आया वो क्या है, साई क्लाउड और साई आयनिक। तो साई यार मेरे पास क्या रखा बताओ भाई, साई आयन आयन रेफरेंस आयन का पोटेंशियल प्लस बोलो भाई क्लाउड का पोटेंशियल। मैंने पुट क्या करना वहां पर, मैंने साई आर नहीं रखना, मैंने साई क्लाउड पुट करना है। तो कितना अच्छा हो भाई, तो साई क्लाउड हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो साई आर मुझे पता है क्या, साई आर मुझे पता है क्या, इसमें से क्या माइनस कर दूं मैं, किसका पोटेंशियल भाई, आयन का भाई, और आयन का पोटेंशियल, आयन का हमारे पास बाकायदा चार्ज है भाई, तो क्या बताओ क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास साई आर क्या होगा, साई आयन प्लस साई क्लाउड, तो साई क्लाउड क्या है मेरे पास, साई आर माइनस साई आयन। अब बताओ भाई साई आयन क्या होगा हमारे पास, आयन का क्लाउड क्या होगा बोलो भाई, जेड आई ई नोट बाई एप्सिलॉन आर। तो इसको आप किसमें से माइनस कर दो बताओ, तो ये तो क्या है साई आर जो हमने ड्राइव किया है, और ये क्या है आयन का, बताओ मेरे पास क्या बच गया बताओ भाई, अरे मेरे पास किसका किसका पोटेंशियल आ गया, तो आपने वो देखी क्लाउड का पोटेंशियल डिस्टेंस से क्या है इंडिपेंडेंट, क्लाउड का पोटेंशियल क्या भाई, नहीं है ना आपको, क्लाउड का पोटेंशियल क्या डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट, तो कोई यही यही बोल दे भाई कि बताओ क्लाउड का पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है आर के ऊपर इंडिपेंडेंट, क्या भाई वो तो रेफरेंस आने का पोटेंशियल क्या है आर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं है ना कोई, पर बोलो भाई ठीक है। अब इस साई क्लाउड को आप कहां पुट करके बताओ भाई, इसमें सोल्व करूंगा रेंट दूं, तो भाई जब आपके पास एक बार ये साई क्लाउड आ गया तो इसे कहां पुट कर दो, हमने यहां पर हमने क्या निकालना था, इजंट इट, क्या भाई आयन एंड इंट्रैक्शन को आपने मेजर करना था इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल चेंज, तो पुट कर दिया मैंने यहां पर भाई। तो साई क्लाउड को आप यहां पुट कर दे यहां पर, ठीक है, तो वो तो क्या आ जाएगा हमारे पास बोलो भाई, ये आ गया हमारे पास तो क्या भाई, तो इस तरीके से हमने क्या निकाले बताओ भाई, बताओ बोलो भाई मोलर केमिकल पोटेंशियल चेंज। तो एक तरह से आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, आपने किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का आयन आयन इंटरेक्शन निकाल लिया किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, गुड। अब भाई यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बताओ कौन कौन से, पहला तो क्या है आयनिक क्लाउड एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल पोटेंशियल, क्या अब बताओ भाई टोटल पोटेंशियल में आयनिक क्लाउड का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है बताओ, पहले आयनिक क्लाउड हमारे पास साई आर क्या आया था याद रखो, ये साई आर मेरे पास ये आया था रेफरेंस आयन के अराउंड किसी पॉइंट पे मेरे पास साई आर क्या है, रेफरेंस आयन के अराउंड किसी पॉइंट पे मेरे पास टोटल पोटेंशियल क्या है, ये वाला जो कि आर के क्या है इनवर्सली, ठीक है बात। अब भाई आयन का क्या होता है, आयन का पोटेंशियल घटता है विद आर, लेकिन ये बताओ किसका हमारे पास क्लाउड का पोटेंशियल, किसका भाई ये क्या इसके इंडिपेंडेंट आ गया ना, आपको तीन याद हो गया आपको, ठीक है। और बताओ फिर क्या एक्सेस चार्ज डेंसिटी, इसका बताओ एक्सप्रेशन क्या हमारे पास, ये वाला बोलो भाई, लेकिन ये बताओ क्या लगातार घटेगी विद आर, इजंट इट। और क्या हमारे पास डिबायकल रेसिप्रोकल लेंथ, ये बताओ मेरे पास क्या है, ये वाली नहीं है क्या आपको, टी के क्या ये टी के तो क्या रूट टी के लिए प्रोपोर्शनल, रूट टी क्या है ये, रूट टी के है ना ये प्रोपोर्शनल रूट टी के है। और अगर मैं इस अरे भाई अगर मैं इसको कंसंट्रेशन से कन्वर्ट करूं किसमें, तो जेड आई क्या, तो आपको पता है एक होता है आयनिक स्ट्रेंथ, क्या होता है हमारे पास आप आगे पढ़ा जाएगा, एक टर्म होती है आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या ये बोलो भाई, आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है 1/2, क्या होती है 1/2 समेशन एम आई जेड आई
स्क्वेयर, एम आई जेड आई स्क्वेयर, नहीं तो आपको पहले पड़ी क्या? तो ये हमारे पास क्या होती है, आयनिक स्ट्रेंथ। नहीं सुन रहे आपको? तो अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं इसको आयनिक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला। तो बताओ आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, ये रूट के क्या है, ये इनवर्सली। तो आर मैक्स जो है डिवाई हकल रेसिप्रोकल लेंथ, रूट डिवाई हकल रेसिप्रोकल लेंथ क्या है आई के, क्या भाई इनवर्सली नहीं क्या? नहीं आया आपको सुने? ओके, तो अब बताओ इसके ऊपर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है दिसंबर 2012 में, कहता है द पोटेंशियल इन डिवाई एक्ल थ्योरी, द पोटेंशियल इन डिवाई एक्ल थ्योरी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिवाई एक्ल थ्योरी में। इसने ये नहीं बोला कि पोटेंशियल ड्यू टू क्लाउड और पोटेंशियल ड्यू टू आयन, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल, क्या भाई टोटल पोटेंशियल। ठीक है, बताओ क्या होगा, कहता वन बाई के आर के एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस के आर के, या भाई ई की पावर माइनस के आर बाई आर के। टोटल पोटेंशियल क्या था भाई, जेड आई ई स्क्वेयर बाई एप्सिलॉन ई की पावर माइनस के आर बाई आर। तो कौन सा आंसर है मेरे पास, सी। ये भाई नेट में आया हुआ है पार्ट सी में चार नंबर में, बात आपको पहले पड़ी। अच्छा भाई बताओ नीचे क्वेश्चन ये एक और भाई, ये कहता है तीन सॉल्यूशन है उनकी सेम क्या है आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, तीन सॉल्यूशन है उनकी सेम क्या है आयनिक स्ट्रेंथ, और उनके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताओ, 4, 25, 81। अरे भाई हमारे पास तीन क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या उनकी सेम है और उनके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 4, 25, 81 क्या उनके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये बताओ उनकी डिबाय हक्कल, अच्छा इसको भाई किसे कई नाम होते हैं, डिबाय हक्कल लेंथ, डिबाय हक्कल स्क्रीनिंग लेंथ, डिबाय हक्कल रेसिप्रोकल लेंथ, क्योंकि ये नहीं कैपा का इनवर्स होता है ये, अरे कैपा का उल्टा होता, क्या बोलते इसको, डिबाय हक्कल रेसिप्रोकल लेंथ ही बोल देते हैं, नहीं है ना पसंद। तो बताओ भाई, तो डिबाय हक्कल रेसिप्रोकल लेंथ क्या आएगी मेरे पास भाई, आर मैक्स क्या आएगी अगर इनके एप्सिलॉन क्या बताओ, एप्सिलॉन क्या इनके 4, 9 और 25 क्या है इनके डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तीन सॉल्वेंट के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, 25, 81। तो बताइए भाई एक बार आप, मेरे पास आर मैक्स का फॉर्मूला क्या था बताइयो, चलो यहाँ से देख लो, चलो यहाँ से देख लो, अरे भाई यहाँ भी तो क्या है एप्सिलॉन है, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये रूट के। अरे भाई आर, मैं आपको ऐसा ही फॉर्मूला देख लो, आर मैक्स क्या होता है रूट ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता क्या, पूजा नहीं बुढ़े आपको, बताओ क्या होता है रूट डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या है हमारे पास ये, या फिर आप यहां से देख लो, अरे बोलो भाई, तो आर मैक्स क्या होता है आर मैक्स, और डिवाई एक्ल स्क्रीनिंग लेंथ क्या होती है, वो डिस्टेंस भी क्या होती है मैक्सिमम टोटल चार्ज क्या होता है मैक्सिमम जिस डिस्टेंस पे होता है मैक्सिमम चार्ज होता है, इजंट इट, क्या होता है तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये रूट टी, सॉरी ये क्या है रूट क्या है बोलो भाई एप्सिलॉन के है, और रूट टी के, और वन बाई रूट क्या है आयनिक स्ट्रेंथ के भाई, नहीं है क्या? तो बताओ एप्सिलॉन क्या है इनके, तो आंसर क्या है अकॉर्डिंग भाई, 4, 25, तो रूट 4 रूट 9, 4, 9, 25 है, अच्छा सॉरी भाई कहाँ पर गया, अरे हाँ रूट 9 मैं बराबर भाई 4, 25, 81, तो रूट 4 रूट 25 रूट 81 क्या आएगा भाई 2, 5, 9 भैया, तो मुझे तो बिल नजर आ रहा है, ये बिल लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ, एक काम हो रहा है भैया, अरे भैया आपको पता होगा ना ये टाइपिंग करते हुए नहीं आ गया आपको ना, नहीं पहले पड़े आपको ये, अरे कौन सा आ गया 2, 5, 9, ये क्वेश्चन पार्ट सी में आया भाई जून 2014 में भाई, ओके।
आगे नहीं आपको क्वेश्चन ये ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।